तो हे बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल के फिर से एक नए फ्रेश व्लॉग में। एंड आज के इस व्लॉग में हम जो है दो बाइक का कंपैरिजन करने वाले हैं। लास्ट टाइम मैंने दो बाइक्स के वीडियो बनाए थे, एक था TFT वाली राइडर और एक था नॉन TFT वाली। तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि भैया इसका जो है एक कंपैरिजन वीडियो बनाओ इन दोनों बाइक्स का, कि कौन सी लेनी चाहिए। तो आज के इस व्लॉग में मैं इन्हीं दोनों बाइक्स के जो है रिव्यू करूँगा कि इन दोनों बाइक्स में क्या डिफरेंस रहने वाला है। एंड अगर आप भी एक नई बाइक परचेज़ कर रहे हो एंड ये दोनों बाइकें आपकी लिस्ट में हैं एंड आप सोच रहे हो कौन सी लेना चाहिए आपको, कौन सी नहीं लेना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। एंड अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। एंड स्पेशल थैंक गोज टू श्यामा सी TVS फॉर हेल्पिंग मी आउट टू मेक दिस वीडियो। आपको TVS का कोई भी प्रोडक्ट देखना है तो शोरूम की ऑल डिटेल आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रही होगी, तो आप डायरेक्टली विजिट भी कर सकते हो शोरूम पर या दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। तो चलिए करते हैं फटाफट से वीडियो को स्टार्ट एंड आपको इन दोनों बाइक्स के बीच का कंपैरिजन करते हैं एंड बताते हैं इन दोनों बाइक्स में क्या क्या डिफरेंस है। वो इस ये हमारी दोनों बाइक्स TVS रेडर, ये है नॉन TFT डिस्प्ले एंड ये है TFT डिस्प्ले। एक बार ऊपर से भी दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हैं ये जो बाइक है हमारी नॉन TFT डिस्प्ले है एंड इधर जो है हमारी वो है TFT डिस्प्ले वाली TVS रेडर 125। और दोनों ही जो बाइक्स हैं वो E20 वाली हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी E20 लिखा हुआ है एंड इसमें भी E20 लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं इन दोनों बाइक्स के प्राइस के बारे में कि इन दोनों जो बाइक्स हैं उनका प्राइस क्या रहने वाला है। तो जो नॉन TFT डिस्प्ले है हमारी ये वाली बाइक, इसका जो प्राइस है 1,14,274 रुपीज़ ऑन रोड रायबरेली। और ये जो TFT वाली है ये है 1,23,274 रुपीज़। तो मोटा मोटा देखा जाए तो आप 9,000 रुपये का अंतर आ जाता है दोनों ही बाइक्स के प्राइस में ऑन रोड। बाकी लुक्स एंड डिज़ाइन की तरफ आते हैं तो आप एक नज़र में देखोगे तो फ्रंट से या कहीं से भी आपको इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। मतलब अगर फ्रंट से देखोगे तो सेम आपको LED हेडलैम्प दिया जाता है स्प्लिट DRL के साथ, यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ मिल जाती है। मडगार्ड भी दोनों ही बाइक्स का जो है वो सेम देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं ब्लैक कलर से स्प्लिट सीट स्प्लिट मडगार्ड दिया गया है एंड यहाँ पर भी जो है स्प्लिट मडगार्ड दिया गया है। टायर सेक्शन भी आपको सेम ही देखने को मिलता है दोनों ही बाइक जो है उसमें। आपको 80x100 सेक्शन का टायर दिया जाता है, इसमें भी आपको 80x100 सेक्शन का टायर दिया जाता है। डिस्क ब्रेक भी आपको दोनों में ही ऑफर किए जाते हैं एंड रियर में भी आपको जो है ड्रम देखने को मिल जाता है 130mm का। बाकी साइड प्रोफाइल जो देखेंगे वो आपको दोनों बाइक्स की सेम मिल जाती है। मतलब कुल मिला के इन दोनों जो बाइक्स हैं उनके लुक्स एंड डिज़ाइन में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। जो मेन चेंजेस देखने को मिलता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। रियर प्रोफाइल की तरफ आते हैं तो रियर प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं दोनों जो बाइक्स हैं उनके सेम देखने को मिलते हैं। आपको LED जो है रियर बैकलाइट देखने को मिल जाती है, इसमें भी आपको मिल जाती है। यहाँ पर भी आपको जो है लॉक का सिस्टम दिया जाता है एंड इधर भी आपको जो है लॉक का सिस्टम देखने को मिल जाता है। हैलोजन टर्न सिग्नल जैसे इस बाइक में देखने को मिलते हैं वैसे ही इस बाइक में भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा यहाँ पे ऑन करके, तो जब आप दोनों बाइक्स को ऑन करेंगे तो जिसकी LED टेल सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। मतलब आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा प्यारी दिख रही है। हो सकता है इतनी ज़्यादा विजिबल ना हो बट रियल लाइफ में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखने को मिल जाती है। और काफ़ी लोगों का कन्फ्यूज़न ये रहता है कि भैया जो इस बाइक का इंजन है वो क्या सेम है या अलग अलग आते हैं। तो बेसिकली मैं अगर एक शॉट में बताना चाहूँ तो यहाँ दोनों ही जो बाइक्स हैं उनका इंजन आपको देखने को सेम मिलता है। मतलब 124.8 CC का एयर कूल्ड BS6 Phase 2 वाला इंजन यहाँ भी प्रोवाइड किया जाता है एंड इस वाली बाइक में भी जो आपको सेम इंजन देखने को मिल जाता है। पावर फिगर्स जो है वो भी आपको ऑलमोस्ट मतलब सेम ही देखने को मिलते हैं। मतलब 11.38 PS का पावर इसमें देखने को मिलता है, सेम इसमें भी देखने को मिलता है एंड दोनों ही बाइक्स में 11.8 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। तो मतलब चलाने वगैरह में कोई भी आपको जो है डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे सीट की बात कर लें तो दोनों में ही आपको स्प्लिट सीट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस वाली में जो है आपको सिंगल सीट भी कंपनी ऑफर करती है बट यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट ही देखने को मिलती है। सीट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है दोनों ही बाइक्स की, कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा सही रखी गई है दोनों ही बाइक्स में। आपको राइडर का जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है एंड पिलियन के लिए भी काफ़ी अच्छा सरफेस दिया गया है। ग्रैब हैंडल आपको दोनों ही बाइक्स में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से यूनिक ग्रैब हैंडल दिए गए हैं। मतलब पिलियन अगर बैठेगा तो अच्छे से इनको ग्रैब कर सकता है, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो। लेडीज़ की बात हो रही तो मैं बता दूं यहाँ पे आपको जो है साड़ी कार्ड देखने को मिल जाता है जो कि एसेसरीज़ का पार्ट है, वो आपको कंपनी इंस्टॉल करके देगी। तो ये भी काफ़ी सही चीज़ है, मतलब आपको अलग से कहीं से कोई एसेसरीज़ परचेज नहीं करनी है। एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, दोनों ही जो बाइक्स हैं उनके ब्रेकिंग सिस्टम जो रियर वाले हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। अभी तक आपने जितनी भी बाइक देखी होंगी उसमें एक ये पार्ट आता था, यहाँ से एक वायर जाती थी एंड वो जो है रियर ब्रेक का काम करती थी। बट यहाँ पे जो मैकेनिज्म यूज़ किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक एंड काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है एंड ऐसा मैकेनिज्म जो है इस सेगमेंट की बाइक में तो मैंने पहली बार देखा है। आपका क्या राय है इस बाइक के बारे में, इस ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, ये आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। सेम चीज़ आपको इधर भी देखने को मिल जाती है, यहाँ देख सकते हैं। अब इन दोनों बाइक का जो है एग्जॉस्ट नोट आपको सुनाते हैं एंड उसके बाद जो है इस बाइक की जो मेन चेंजेस हैं मीटर कंसोल उसके बारे में बात करते हैं कि उनमें कुछ चेंजेस हैं या नहीं है। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा साइलेंटली स्टार्ट हो जाती है ये बाइक, क्योंकि यहाँ पे आपको इंटेलिगो इसका एग्जॉस्ट नोट आपने सुन लिया, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करना। अब इस वाली की बारी है जो कि हमारी TFT डिस्प्ले की बाइक है।
देख सकते हैं इसमें आपको कितना प्यारा गेस्चर देखने को मिलता है जैसे ही ऑन करते हैं। यहाँ पे आपको जो है पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। तो दोनों बाइक का एग्जॉस्ट नोट जो था वो मैंने आपको सुना दिया है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स के मीटर कंसोल की तरफ कि यहाँ पे हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, क्या चेंजेस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इस वाली बाइक के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा गेस्चर आपको देखने को मिल जा रहा है, मतलब ऑन करेंगे तो ये भी कम नहीं है उससे, बट वो थोड़ा ज़्यादा एडवांस है, ये थोड़ा सा कम एडवांस है। सबसे पहले यहाँ पे आपको टैकोमीटर देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं 12,000 RPM तक ये जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो इसमें लाइट मिलती है वो TVS का हॉर्स जो है वो लोगो ब्लिंक करता है, मतलब जलता है। एंड यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पे टाइम मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, ओडोमीटर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, एंड ट्रिप ए ट्रिप बी का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसको यहाँ से आप टॉगल करेंगे तो ये जो है चेंज हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिप बी आ गया, साथ ही साथ रेंज आ गई, एवरेज पर किलोमीटर मतलब आपकी बाइक जो है रनिंग टाइम में कितना एवरेज निकाल लिए उस स्पीड पे, जिस स्पीड पे आप बाइक चला रहे हो वो चीज़ भी आपको ये बता देता है। साथ ही साथ यहाँ पे इंजन चेक लाइट मिल जाती है, ओडोमीटर यहाँ देखने को मिल जाता है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो आपको टॉगल करने के जो मीटर के बटन्स हैं वो यहाँ पे आपको दिए जाते हैं, इसके मीटर के जस्ट बगल में दिए जाते हैं। तो ये एक बेसिक सा फीचर हो जाता है, मतलब सारी बाइक्स में आपको इसी तरह देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जब आप बाइक चलाते हो तो आपको जो है यहाँ पे टॉगल करना पड़ता है, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। चलती बाइक में आप कुछ भी चेंज करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी रहता है। बाकी यहाँ पे आपको एक बटन दिया जाता है इको एंड पावर मोड का, तो पावर मोड है यहाँ पे, इको मोड है नीचे। तो अगर हम इसको चेंज करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा पावर मोड लिख के आता है एंड यहाँ पे जो है इको मोड लिख के आ जाता है, मतलब ग्रीन से इको मोड आएगा एंड ऑरेंज कलर से आपका पावर मोड आ जाएगा। ये क्यों बता रहा हूँ उसके पीछे भी एक रीज़न है, अभी उस वाली बाइक की तरफ हम चलेंगे तो ये चीज़ आपको हम बताएंगे। दैट्स इट, इतने फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको जो है USB चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, दोनों ही बाइक्स में मिलता है, वो कोई स्पेशल नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑन द गो आप अपनी एसेसरीज वगैरह चार्ज करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे USB केबल इंसर्ट करो, फ़ोन को अपनी जेब में डालो एंड चार्ज कर सकते हो। अब आ जाते हैं इस वाली बाइक की तरफ जो कि 9,000 रुपये महंगी है। अगर आप इस बाइक को अपने घर ले जाना चाहते हो तो आपको 9,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं कंपैरिजन टू इस बाइक। तो अब इस बाइक में क्या ऐसा है जो आपको 9,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पे मजबूर कर सकता है? तो सबसे पहले मीटर कंसोल आप देख सकते हैं, जैसे ही हम इसका मीटर कंसोल ऑन करते हैं आपको बहुत ही प्रीमियम गेस्चर देखने को मिलता है। मतलब सबसे पहले यहाँ पे हेलमेट की वार्निंग देखने को मिल जाती है, फिर उसके बाद TVS का लोगो देखने को मिलता है, उसके बाद रेडर का जो सिंबल है R वो देखने को मिलता है। अब मीटर कंसोल आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यूनिक है, अगर इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल सा देखने को मिलेगा अगर आप ये वाला देख रहे हो। हालांकि ये बाइक का जो मीटर कंसोल है ये भी सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बट इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा फीका पड़ जाता है। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो टैकोमीटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। अगर आप बाइक को स्टार्ट करते हो एंड ड्राइव करते हो तो टैकोमीटर यहाँ से यहाँ तक जाएगा 12,000 RPM तक। TVS का जो हॉर्स वाला लोगो है वो यहाँ पे जलता नहीं है। इंजन की जितनी भी माल फंक्शन वगैरह की लाइट है वो आपको यहाँ पे साइड में देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको माल फंक्शन की लाइट देखने को मिल जाएगी, यहाँ लो फ्यूल इंडिकेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी जो छोटी मोटी जैसे साइड स्टैंड इंजन वार्निंग लाइट होगी वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। लो बीम एंड हाई बीम का जो ऑप्शन है वो सब यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फीचर्स की बात करें तो फीचर्स आपको ऑलमोस्ट सेम मिलते हैं, फीचर्स में आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जितने फीचर्स बाइक में कंपनी प्रोवाइड करती है सेम उतने ही फीचर्स आपको यहाँ पे भी प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे ट्रिप ए ट्रिप बी टॉगल करने के लिए आपको यूनिक फंक्शन दिया गया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। एवरेज पर किलोमीटर स्पीड जो होगी, यहाँ पे ओडोमीटर जो होगा, सारी चीज़ें आपको इस बाइक में सेम मिलने वाली हैं। अब जो मेजर डिफरेंस मिलता है वो उसका मेन्यू का बटन का मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेन्यू बटन दिया गया है इसके हैंडल बार पे दिया गया है। तो आप जब बाइक चलाते हो तो आप डायरेक्टली जो है यहाँ पे चलते चलते इसको ऐसे करके चेंज कर सकते हो, आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं, मतलब आपका हैंडल बार जो होगा वो आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहीं से टॉगल करके चेंज कर सकते हो। बाकी एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पे अभी मैंने बताया था इको एंड पावर मोड, तो यहाँ पे इको एंड पावर मोड आपको दोनों बाइक्स में मिलता है, बट जैसे ही आप इको मोड पे डालोगे इसका जो पूरा UI है, यूज़र इंटरफेस, वो चेंज हो जाता है। तो ये भी काफ़ी यूनिक फीचर लगा मुझे कि मतलब यहाँ पे आप जो दूसरी बाइक है उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, बट अगर आप इस बाइक को परचेज करते हो मोड के हिसाब से आपका सारे चीज़ें जो है चेंज हो जाती है, मतलब यूज़र इंटरफेस जो है आपका चेंज हो जाता है। अब एक और यूनिक फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाता है जो कि इस बाइक में नहीं आता, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो यहाँ पे आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट का जो है सपोर्ट देखने को मिलता है। मतलब इस बाइक में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है जो कि इस बाइक में आपको कंपनी नहीं प्रोवाइड करती है, और इसके नीचे वाले वेरिएंट में भी आपको नहीं मिलती है। यही एक ऐसा वेरिएंट है जिसमें आपको मीटर कंसोल भी मिलता है एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी
भी मिल जाती है। तो बहुत से लोग ये बोलते हैं कि क्या मीटर कंसोल के लिए ही इतना पैसा 9000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो नहीं भाई, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है, ये भी एक एडवांस फीचर है इस बाइक का। एंड इसमें भी काफ़ी सारे फंक्शन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं कंपनी की तरफ से। जैसे अगर आप अपनी बाइक को चला रहे हो एंड आपने अपनी बाइक को जो है मीटर कंसोल को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर रखा है, तो ये जो बाइक है वो आपका पूरा जो फ़ोन है उसके जो भी नोटिफिकेशन है, कॉल, मैसेज, टर्न बाई टर्न नेविगेशन वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको आपके मीटर कंसोल में दिखाता रहेगा। तो ये भी काफ़ी सही है। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मोबाइल होल्डर इंस्टॉल करते हैं, वहाँ पे मोबाइल फिट करते हैं, तो उसमें कई सारे रिस्क रहते हैं, जैसे मोबाइल गिरने का खतरा रहता है या कोई चोर वगैरह आपकी बाइक का चलते चलते बगल से आके मोबाइल का होल्डर खींच के मोबाइल आपका निकाल ले जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें आपको रिस्क नहीं है, इसमें ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड यहाँ पे एक बटन और ऐड किया गया है, ये है इसका आई बटन, आप देख सकते हैं यहाँ पे आई लिखा हुआ है। तो बेसिकली जब आप अपने फ़ोन को पेयर कर दोगे अपनी बाइक के मीटर से, मतलब ब्लूटूथ से, तो यहाँ पे आप हेडफोन लगा रखे हो या कोई ब्लूटूथ डिवाइस अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर रखे हो, तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो फ़ोन है वो एक वॉइस असिस्टेंट का काम करेगा। तो मतलब जो चीज़ें हैं आपको, वो सारी चीज़ें इसके मीटर कंसोल में वॉइस असिस्टेंट के द्वारा आप जो है कमांड कर सकते हो। तो ये बेसिक डिफरेंस था इन दोनों बाइक्स के बीच में। सो वॉइस इन दोनों बाइक्स के बीच का जो डिफरेंस था वो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया है, बट अगर फिर भी कुछ रह गया हो जो मैंने ना कवर किया हो, या फिर आपके दिमाग में कोई अभी भी कन्फ्यूजन चल रहा है, तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम का हैंडल मेरा जो है डिस्प्ले पे आ रहा होगा, एक कमेंट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हो, तो वहाँ पर मैं आपको पर्सनली रिप्लाई दे दूँगा। बाकी अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। होप करते हैं आपको ये वाला ब्लॉग जो है वो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, एंड हाँ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फटाफट से मिलते रहे। एंड अच्छा लगा हो, थोड़ा भाई लगाओ कि आपके भाई ने मेहनत की है, तो आप डायरेक्टली कमेंट में थोड़ा सा अप्रिशिएट कर सकते हो ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राइट आउट, राइट सेफ।